शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से रुको सोनिया, वो श्रद्धा, मुझे ना फिर से डर लग रहा है। क्या बताऊं श्रद्धा, वो भयानक चेहरे ना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहे। अब तो वो मुझे खुली आंखों से भी दिखाई देने लग गए। मैं तुम्हारी ये हालत समझ सकती हूँ। कल भी तुम कितना डर गई थी, लेकिन सोनिया तुम ऐसे कब तक जियोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें इस डर का सामना करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे दूसरों के कमरे में घुस जाने से डर कम तो नहीं होगा ना? इसीलिए अब से आरती तुम्हारे साथ सोएगी और वो तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेगी। तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बिना डरे जाओ और जाके आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। जाओ सोनिया। श्रद्धा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात हो गई है अबे? तुमने भाई को अपनी से दूर रहने के लिए कहा ना? नहीं अबे, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बहन ने पहली बार तो तमाशा नहीं किया ना, फिर इस बार तुम क्यों उसका साथ दे रही हो? अबे, मैंने तो बस वरुण जी से इतना कहा है कि कुछ वक्त के लिए वो अपनी को घर पर लेकर नहीं आए। अभी इस वक्त अगर कीर्ति के दिमाग में कुछ चल रहा है तो हमें कीर्ति को थोड़ा वक्त देना होगा उसे समझने के लिए। ये तुम कह रही हो? तुम जानती हो ना मेरे एक बार शक करने से कितना गहरा असर पड़ा था हमारे रिश्ते पे। मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे यार, अवनी को मैं बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अब भाई आप मुझे गलत समझ। बस श्रद्धा, अवनी मेरे और मेरे भाई की बचपन की दोस्त है। अगर तुम्हारी बहन के दिमाग में शक भरा है ना, तो उसका दिमाग खाली करो, ना कि हम दोस्तों के बीच में आओ। ये तो अवनी वाली बात पर ही इतना नाराज है, तो इनसे सोनिया की बात कैसे करूं? एक काम करती हूँ, कल सुबह खुद ही सोनिया वाली समस्या सुलझाती हूँ, उसके बाद अभय से बात करूंगी। सोनिया, मैंने तुम्हारे इस डर के बारे में रात भर सोचा और मैंने इस डर को भगाने के लिए एक पक्का वाला इलाज ढूंढ लिया है। कैसा इलाज श्रद्धा? वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। लीजिए, ये आ गए। आइए ना, बैठिए प्लीज। सोनिया आओ बैठो। ये फोरेंसिक स्केच बनाते हैं। सोनिया, मैंने इस हालात के बारे में पुलिस वालों से बात की थी और वो तुम्हारे इस हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने ही इन्हें भेजा है। जो भयानक चेहरा तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल पा रहा है ना, उसे आज इस तस्वीर पे डाल दो और तुम बिल्कुल भी मत घबराओ सोनिया, पुलिस तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगी। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया श्रद्धा कि उनकी मदद ले ली। अब सोनिया तुम फटाफट पहचान लो उन हैवानों का चेहरा, बता दो कि वो कैसे दिखते। भाभी, एक बार वो हमारे हाथ लग जाए ना, कसम से गरम तेल में समोसे की तरह ना तल दिए ना, तो हमारा नाम भी ऋतु बुआ नहीं बता रहे।
बता दो सोनिया, कैसा दिखता था वो जो तुम्हें अब खुली आंखों से भी हर जगह दिखने लगा है, परेशान करने लगा है? बताओ इन्हें। बताइए मैडम। उनकी आंखें भूरी नहीं, काली काली आंखें, छोटी शायद बड़ी बड़ी आंखें थी, नाक नाक चपटी चपटी नाक थी, चपटी नाक थी। कोई दाढ़ी या मूछ कुछ याद है तुम्हें? हाँ, हम दाढ़ी मूछ थी ना, मतलब दाढ़ी या फिर मूछ। मूछ नहीं, शायद चेहरा साफ था। हाँ, साफ था चेहरा। और नाक भी चपटी नहीं, खड़ी थी। नाक थोड़ी ऐसी लंबी। मैम, ऐसे में तो मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगा। इन्हें खुद पता नहीं है वो चेहरा कैसा था। कभी बोलती नाक बड़ी थी, कभी बोलती छोटी थी, कभी आंख बड़ी कभी छोटी। ऐसे में तो ये कुछ भी नहीं बता पाएंगी और ना ही मैं कुछ बना पाऊंगा। ठीक है भैया, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जब ये ठीक हो जाएंगी तो हम खुद ही आपको यहाँ बुला लेंगे। थैंक यू मैडम। अभी कुछ बताएगी नहीं, याद नहीं करेगी तो ऐसे कैसे पकड़ेंगे उसको? नहीं आरती, अपराधी को उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। इसके अलावा मेरे पास एक और सबूत भी है। पर वो क्या भाभी? जिस जगह पर ये हादसा हुआ था वहां पर एक दुकान भी थी। उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था। मैंने उस दुकान वाले से बात भी की है और वो आज हमें वो सीसीटीवी फुटेज दे देगा। अच्छा, अब तुम्हारी सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा सोनिया। तब तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा। ओहो, सच बता रहे, पहली बार ना इस चित्र कलाकारी के चक्कर में हम ये भूल गए कि हमें भूख भी लगी थी। बताओ। हाँ, हमें ना भूख नहीं है, हम कॉलेज के लिए देर हो रहे हैं तो हम कॉलेज जाएं। तुम अकेले कैसे जाओगे? अभी भैया नहीं आए। फिर तुम बोलोगे कि कॉलेज अकेले जाने में डर लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने डर से अकेले ही लड़ लेंगे। हम जा रहे हैं, बाय। अरे, ये तो मुझे भी अकेला छोड़ के चले गई। मैं अब नाश्ता करके जाऊंगी। ओहो, देखा भाभी कैसे दौड़ कर चली गई, जैसे इसके पीछे किसी को दौड़ाया हो। इसे भी भूल कर चली गई। इसे कोई समझाओ, इम्तिहान है, कोई जीवन मरण वाली बात नहीं है, पागल है। आज तुम्हारी चुन, चलो। कीर्ति बेटा, हम अभी आते हैं। अरे पर कहाँ जा रही हैं आप? हाँ बेटा, वो पास की दुकान में ही जा रहे हैं, घर का रोज का छोटा मोटा सामान लाने। अरे माँ, पर आप क्यों जा रही हैं? हमें भी कुछ सामान चाहिए। एक काम करते, हम वरुण जी को लिस्ट भेज देते, ऑफिस से आते टाइम वो ले आएंगे, ठीक है? हम अभी फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ वरुण जी, हम आपको लिस्ट भेज रहे हैं, ऑफिस से आते समय लेते आइएगा, ठीक है? कीर्ति, वो आज तो नहीं हो पाएगा। वो क्या है कि मैं लखनऊ आया हूँ।
क्या अचानक? आपने तो बताया भी नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि वो अचानक से क्लाइंट का कॉल आ गया, इसलिए तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। ये शायद आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अरे ऐसा नहीं, माँ आप ही ले आइए, आपके बेटे तो बाहर कहीं ऐश काट रहे हैं। आते हैं। भैया यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? टीवी? इतने से ठेले में कहाँ पर टीवी लगाई है? भैया टीवी नहीं, सीसीटीवी। हमने कोई कैमरा वैमरा नहीं देखा है। ठीक है, शुक्रिया। चलो, यहाँ पे तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, वो श्रद्धा कौन से सीसीटीवी कैमरे की बात कर रही थी? या फिर मुझे फंसा रही थी? कहीं श्रद्धा को मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया? आज तो नहीं हो पाएगा, वो क्या है कि मैं लखनऊ आया हूँ। ये कोई दफ्तर तो नहीं लग रहा, शायद बाहर है वरुण जी। नहीं कीर्ति, वो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। एक्चुअली जिस क्लाइंट को मीटिंग के लिए बुलाया था ना, वो अभी तक आया ही नहीं। आप अकेले हैं? अगर आप कुछ दिनों के लिए अपनी को कीर्ति से और इस घर से दूर रखेंगे तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। हाँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, आप जब निकलिएगा तो बताइएगा। ठीक है, मैं फ्री होके शाम को बात करता हूँ। वरुण जी ने झूठ क्यों बोला? अम्मी साफ नजर आ रही थी उनके शेड्स में। थोड़ा और पूछती हूँ। भैया एक बार ना ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए ना कि कहीं पे सीसीटीवी कैमरा है या नहीं। नहीं मैडम, हमारे थैले में तो कोई कैमरा नहीं है। कहीं इस बुरके में वही तो नहीं है? शायद आगे वाली दुकान में होगा। भैया आपको पक्का पता है? Thank you.
कीजिएगा। ये नीचे, आपको लगी तो नहीं ना? माफ कीजिएगा। कहाँ चली गई? अभी यहीं पर तो थी। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कोई और है। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। हाथ सोनिया को पकड़ते पकड़ते रह गई। ये दोनों को ना हम पकड़ के रहेंगे। बेटा, तुम दोनों को सब क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं। माँ, हमें ना आपसे कुछ काम है। हाँ बेटा, बोलिए ना, क्या बात है? आप प्लीज अवनी को फोन लगा देंगी? हमारे पास ना उसका नंबर नहीं है, पर आपके पास तो होगा ना, प्लीज। आखिर ये दिन तुम्हारे ही कारण तो देखना पड़ रहा है। क्यों बेटा, कोई बात हो गई है क्या? हाँ, वो उस दिन अपनी के मुंह पे हमने केक लगा दिया था ना, तो हमें उनसे माफी मांगनी है। अब हमारा फोन तो वो उठाएंगी नहीं, पर आपका फोन तो उठा लेंगी ना, तो इसीलिए प्लीज माँ, हमारे लिए प्लीज 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 लगा दीजिए ना। अब ठीक है, ठीक। माँ स्पीकर पे, हम भी सुन लेंगे। सब चेक कर लिया। आंटी, हेलो, नमस्ते आंटी। अवनी, हाय, कैसे हो आप? कहाँ हो आप? अरे कीर्ति, वो मैं और वरुण। मैं वरुण के काम से ऑफिस में ही हूँ। कैसे याद किया? अगर कीर्ति को गलती से पता चल गया कि मैं अपनी के साथ हूँ तो बहुत बड़ा बवाल कर देगी। हमने सोचा कि वरुण जी की बचपन की सहेली को थोड़ा हम भी जान ले, थोड़ा उसके साथ हम भी टाइम स्पेंड कर ले। अवनी, आप एक काम करो ना, आप रात के डिनर के लिए आ जाओ हमारे घर पे, और हम ना बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आज कीर्ति, वो क्या है ना, आज बहुत ज़्यादा काम है, तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल मैं तुमसे पक्का मिलती हूँ, ठीक है? अच्छा कीर्ति, मेरे बॉस आ रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अवनी, कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी। आपके बारे में हमने क्या सोचा, और आप इतने बड़े झूठे निकले वरुण जी, दूसरी लड़की के साथ। पर हम भी दीदू नहीं जो चुप बैठ जाएंगे, जवाब तो हमें चाहिए। अबे ये देखो, ये क्या है? मैंने बोला था ना, पुलिस में जाने का नतीजा बहुत गंदा होगा, उन गुंडों ने मुझे धमकी दी है। हमें पता है कि तुम पुलिस के पास गई थी, पर अब तुम्हें उस गलती की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारा ऐसा हश्र होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। सोनिया, तुम पुलिस के पास गई थी? मैं गई थी पुलिस के पास। अब बस, आज के बाद तुम कोई भी काम ऐसा नहीं करोगी, और मुझसे बिना पूछना कुछ नहीं करोगी तुम।